वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सफ़ायर यानी नीलम स्टोन के बारे में। आप जानेंगे मेरी वीडियो में उसकी मुकम्मल तफसीलात, उसके एग्ज़ाम और रजब का एक ख़ास वजीफ़ा, इसलिए आप एंड तक मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो चलें सबसे पहले हम चलते हैं कि हम स्टोन हासिल कहाँ से करते हैं। अब चलते हैं स्टोन हम हासिल कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टोन आया कहाँ से। ज़मीन के अंदर एक ख़ास तवानाई, एक ख़ास तह में और एक ख़ास वक्त तक मौजूद रहने से एक पत्थर हमें मिलता है जिसका एक अलग रंग होता है, रोशनी वो अपने अंदर डेवलप कर लेता है और इस तरह वो अपने अंदर बहुत सारी ऐसे रेज और ऐसे न्यूरॉन और ऐसे एनर्जीज लेकर ज़मीन से निकलता है जो कि हमारी ज़िंदगी पर बहुत से असर डालते हैं। जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो उस पर असरानंदाज़ होता है। अब पत्थर करता क्या है, वो हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज करता है, इसे हम थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर वो पत्थर जो हम पहनते हैं वो हम पे असर किस तरह करता है। तो चलिए चलते हैं इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब कोई स्टोन हमारे ऊपर असर कैसे करता है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत होगी, अगर हम कोई स्टोन पहनते हैं और वो हमें कहा जाता है ये आप ये ले लें, ये आपके स्टार पर मैच करता है, तो भी हमें यह समझने की ज़रूरत होगी कि हम पे हमारे जिस्म के अंदर ये चेंजेस कैसे शुरू करता है। दरअसल इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे जिस्म में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हमारे ऊपर अट्रैक्ट करते हैं और जब हम उस तरह की कोई मैचिंग रिंग पहनते हैं तो फिर वो जो हमारे न्यूरॉन की पावर होती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं इस तरफ के नीलम स्टोन है क्या। सबसे पहले नीलम बहुत कीमती पत्थर है, ये बहुत जल्द हमारे न्यूरॉन्स पे हमारी बॉडी पर असरअंदाज होता है। इसका जो ताल्लुक है वो सितारा ज़हल से है। सितारा ज़हल क्या है, ये जो लीडरशिप है, जो जलालियत है, आगे बढ़ने का जज्बा है, ये उसको प्रमोट करता है। अब चलते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो एक स्टोन जो कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं नीलम स्टोन की, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि इसको बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले ज़मीन के अंदर जो मौजूद आयरन, मादनियात, केमिकल एक्विलेशन और इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड और हीलियम और बेरहीलियम सिलिका जो इसकी चमक बढ़ाते हैं, इसको बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हीरे के बाद जो सबसे सख्त पत्थर है ये उसमें शुमार होता है। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इसकी पहचान इसमें मौजूद केमिकल से की जा सकती है जो कि आप लेबॉरेटरी टेस्ट से करवा सकते हैं। आजकल सिंथेटिक बहुत सारे ऐसे स्टोन्स आ गए हैं जो कि पहचान करना इस तरह तो बहुत मुश्किल है, शीशा से बन जाते हैं बहुत आसानी से। इसलिए आप किसी ऐसे इंसान से ये स्टोन ख़रीदें जिसे पहचान हो, या तो वो आपको लेबॉरेटरी टेस्ट के साथ दे या तो जो इसमें बहुत माहिर हो। इसके अलावा इंडिया में इसको सूर्य रत्न भी कहते हैं। इसका ताल्लुक सन एनर्जी से है और सहल सितारे से है, सैटर्न से। सैटर्न से ताल्लुक होने की वजह से ये अरूज जितना देता है उतना जवाल भी दे सकता है। जिसको ना रास आए, जिसे पता नहीं है, अगर आपको ये पत्थर, कोई पत्थर ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बोले तो वो आपको रास भी आ जाए, तो यही कहते हैं नीलम के बारे में। अगर ये आपको अरूज दे सकता है तो ये आपको जवाल भी दे सकता है। नीलम सिर्फ पहनने वाले पर नहीं बल्कि इसकी औलाद पे भी असर डालता है। ये जादू, काला जादू, सहर, बुरी नज़र इन सब से बचाता है। इससे जो एनर्जी निकलती है वो हम पे जादू होने से रोकती है। ये आपकी शख्सियत को बदल देती है, आपके बोलने की, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती है। लाजमी सी बात है, अगर आप पे कोई चीज़ असरअंदाज कर रही है, आप पे उसके पॉजिटिव कोई असरात आ रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी। जब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी तो आपके बोलना चालना सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये मोहब्बत के मामलों में बहुत असरअंदाज होता है, जैसे कि लव मैरिजेस। अगर आप कोई ये स्टोन सूट करता है और आप कहीं लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असरात डालता है, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है। अब आप जो ये ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं यह है स्टार सैफायर। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो सियासत में है, सियासी लोगों को बहुत रास आती है। अब हम चलते हैं नीलम के मुख्तलिफ इकसाम की तरफ, मुख्तलिफ कलर्स की तरफ। नीलम के मुख्तलिफ इकसाम हैं, मुख्तलिफ कलर हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर तस्वीर में सुर्खी माइल कलर, ये दूसरे दर्जे का नीलम है। इसमें फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये आपकी जज्बातियत को बढ़ा देता है, ये आगे बढ़ने के जज्बे को बढ़ा देता है। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि वो आगे जाएं, आगे बढ़ें, तो ये उनको बहुत रास आता है।
अब चलते हैं हम अपने दूसरे कलर की तरफ, ये है येलो सफ़ायर या जर्द नीलम। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तीसरे दर्जे का नीलम है। ये आपके पब्लिक एक्सेंट को बहुत बेहतर कर देता है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो इसमें आपकी बहुत हेल्प कर देता है। ये आपके फैमिली मैटर्स को बहुत बेहतर कर देता है, जैसे फैमिली मामला, आपकी औलाद बच्चे, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। थर्ड है हमारे पास हल्के नीले रंग का या बेरंग नीलम, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस टाइम मेरे हाथ में भी है, मैं इसका थोड़ा सा क्लोजअप करके आपको दिखाऊंगी। आप अगर देख सकते हैं तो ये बिल्कुल हल्के से रंग का नीलम है। इसमें फायर, इसमें वाटर और एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा, इसको पहनते ही आपको असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी एलिमेंट्स हैं। ये ख़ासकर जो साइंसदान हैं, जो डिज़ाइनर्स लोग हैं, उनके लिए, जो ब्यूटिशंस हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये उनकी जो सोच है उसको बहुत ज़्यादा वसी करने में बहुत मददगार। ये देखिए इसका थोड़ा सा क्लोजअप क्लियरली। ये सब स्टोन्स में, ये मतलब नीलम जितने भी कलर्स हैं उसमें सबसे महंगा यही है, ब्लू नीलम। और इसके अलावा अगर आप इसको पानी में डालें तो आपको ये नज़र आना बंद हो जाएगा, या इसके अपना कलर चेंज कर लेगा। ये बहुत ही प्यारा स्टोन है, मगर ये है कि अगर ये आपको सूट करे तो फिर ही आप ये पहन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्याही माइल नीलम। ये स्याही माइल नीलम क्या होता है, ये ब्लू और डार्क ब्लू कलर का होता है, जिस तरह स्याही माइल होता है। इसमें ब्लू और जामनी कलर मिक्स होता है और ये बहुत जल्द जादू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये रूहानियत में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ा देता है। मगर अगर आपको ये सूट ना करे और आप जो पहनने वाले ने अपना हिसार ना किया हो तो इसका असर उलट हो जाता है और जादू उसको अपने अंदर, जो बंदा ये पहन रहा है, जादू उसके ऊपर भी उलट सकता है। इसलिए ये ख़तरनाक स्टोन है। तो कोशिश करें कि आप स्याही माइल नीलम ना ही पहने। तो आप तस्वीर में देखेंगे सफ़ेद माइल या दूधिया कलर का नीलम, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और यही मशवरा है कि कोई ना ही पहने तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव असरात हमारी बॉडी पे डालता है। अब चलते हैं जहाँ पे ये नीलम हमें सुकून देता है, वहाँ पे इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी हैं। लाजमी बात है, जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इसलिए हर चीज़ को दोनों तरफ से देखना चाहिए। अब वो कौन से नीलम है जो हम नहीं पहन सकते या वो लोग नहीं पहन सकते, इस बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। सबसे पहले तो वो नीलम हम नहीं पहनेंगे जिसका कलर मटियाला हो गया है या अजीब सा डस्टी कलर हो गया है। वो बिल्कुल हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव असरात डालेगा हमारे ऊपर। जैसे कि कोई नीलम है उसमें आप देख सकते हैं धब्बे या रेशे आ गए, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनना। जो दो रंग का नीलम है, मतलब टू कलर्स में आ जाता है, जैसे वाइट और ब्लू इकट्ठा आ जाता है या येलो ब्लू इकट्ठा आ जाता है, तो वो बिल्कुल आपने नहीं पहनना। या एक से ज़्यादा नीलम, एक स्टोन में बहुत सारे पत्थर हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग मतलब कलर्स की एनर्जीज उसमें होंगी, तो वो आपकी एनर्जी को अपोजिट वे में ले जाएंगी, वो आपकी लड़ाइयाँ करवा सकती हैं, उससे नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आता है वो नीलम जिसमें बादल बादल से बन जाते हैं, ऐसे धुंधला सा हो जाता है, बादल बन जाते हैं, तो वो आपने नहीं पहनना, क्योंकि वो आपको पैसों में बहुत नुकसान करवा देगा, रुपए पैसे में बहुत नुकसान करवा देगा। उसके अलावा टूटा हुआ कोई भी पत्थर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ख़ासकर वो नीलम, वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्योंकि या तो वो पत्थर आपके अपने जिस्म की एनर्जी की वजह से टूट जाएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसी एनर्जी है जो आपके जिस्म को सूट नहीं करेगी, आपके बॉडी में जो न्यूरॉन है उनको सूट नहीं करेगी, तो उस वजह से भी वो टूट जाएगा। या तो फिर उसके अंदर से कोई ऐसी एनर्जीज निकलेंगी कि वो पत्थर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए आपने वो स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनना। अब हम चलते हैं कौन से लोग और कौन से पेशे वाले लोग ये स्टोन नीलम पहन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर तो आपके नाम के साथ, आपके स्टार के साथ, सिर्फ आपके स्टार को ही नहीं, आपके नाम के अदात को भी और आपकी जगह को, आपकी तारीख पैदाइश सब देखकर ही स्टोन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अगर सिर्फ यही सुन के पहन लें कि भाई मेरा ये स्टार है और मैं पहन रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ऐसे बंदे से जिसको इस चीज़ का इल्म है, फिर ही पता करके अपना स्टोन पहने, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी पे बहुत से नेगेटिव असरात भी डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कौन सा लोग और पेशे वाले लोग हैं जो कि ये स्टोन पहन सकते हैं। सबसे पहले टीचिंग ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो लोग अगर ये पहने और उनके अगर स्टार के साथ और अदात के साथ ये मैच करता है, उसके बाद ही अगर वो नीलम पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इंजीनियर्स,
आराइश और ज़ेबाइश वाले जो लोग हैं वो अगर पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सियाहत में जो है ट्रैवल टूर्स वाले वो अगर पहने तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो सेल्स मैन हैं, सेल्स करते हैं जो जो जासूसी मतलब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में हैं, अगर वो पहने तो उनको बहुत रास आता है। ये उनकी सलाहियत को बढ़ा देता है और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अपने काम में। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स में जो आला अहदे पर हैं जैसे लीडरशिप में है कोई मतलब आला अफसरान वो अगर पहने तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लीडरशिप की ताकत को ये बहुत बढ़ा देता है, तो उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है ये। अब चलते हैं हम कि नीलम कौन सी जगह के कौन सी कंट्री के हम लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है श्रीलंका का नीलम, वो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर, नेपाल और अमेरिका में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नीलम पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम नाम के पहले हर्फ के साथ अगर हम मैच करें तो कौन से लोग हैं जो नीलम पहन सकते हैं। फिर भी आप अपना पूरे हिसाब लगा के नीलम बाई कर सकते हैं, मगर फिर भी वो कौन से लोग हैं जो कि जिनके नाम का पहला अदद अगर ये हो तो वो नीलम पहन सकते हैं। अलिफ, सीन, शीन, स्वात, ज़ुआत, रे, रा, ज़ा, आइन, हे, गाव, खैन और इंग्लिश में ए, एस, जेड, जी, एच, अगर ये लोग नीलम पहने तो इनके नाम के साथ बहुत सूट करेगा। रजब के ख़ास वजीफे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये वजीफ़ा किस लिए होता है और किन लोगों के लिए। ये वो लोग कर सकते हैं जिन्हें रिस्क की कमी है, मफलूज हाल हैं, जिनके रिस्क के कोई ऐसा आसरा नहीं है, वो कर सकते हैं इसको। और सात सत्ती वाले जिनके स्टार पे सात सत्ती लगा हुआ है वो उसको कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अदद के लिहाज से हम देखेंगे क्योंकि अदद सात है इसका, तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। ये करेंगे हम रजब की 7, 16 और 25 तारीख को। करना हमें क्या है, सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीलम स्टोन ले लेंगे और उस स्टोन पे हम 130 दफ़ा पढ़ेंगे या अलियो या हादियो, या अलियो या हादियो 130 दफ़ा हम पढ़ के सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली में पहन लेंगे। ये रिस्क के लिए बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए जिनके स्टार में सात सत्ती लगा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये किसी भी महीने की 7 तारीख को आप कर सकते हैं, मगर रजब में करें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। रजब की 25 तारीख आने वाली है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये। जब भी आप अगर नीलम पहने तो आप सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें और बेहतर है कि आप उसको चांदी में बनवाएं, क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है तो ये जो स्टोन की नेगेटिव एनर्जी है उसको थोड़ा कम कर देती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पे अमल करेंगे और इससे फ़ायदा भी होगा। कोई भी अमल जब तक हम पूरे खलूस और नियत से नहीं करते तब तक फौसल नहीं करता, इसलिए सबसे पहले आप ये यकीन रखें कि अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तो यह इसमें ग्रामी है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इससे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। इस्लामिक हिस्ट्री और तारीख से भी नीलम को मंसूब किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो वाकया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह ताला ने उनको 10 कमांड्स दी थी, अल्लाह की तरफ से दी गई थी, वो भी नीलम की सिरों पे बनी थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश की थी अल्लाह को, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको दी थी। इसमें मतलब डाउट्स हैं, मगर वो जो सिल्स थी वो नीलम की ही थी। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमें पता है जो तख्त था जो हवा में उड़ता है वो भी पूरा नीलम से तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो म्यूज़ियम में है, वो भी पूरी नीलम स्टोन से बनी है। उसके अलावा बहुत ही मशहूर है मलका बरतानिया, जैसे सब जानते हैं, जिनकी डायमंड जुबली के मौके पे उन्हें जो ताज दिया गया था उसके बीच में भी नीला नीलम लगा हुआ था। और सबको पता है मलका बरतानिया का जितना भी उसके बाद का वक्त था वो बहुत अरूज का वक्त था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रही हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप में से कोई भी हमसे स्टोन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कर दूंगी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर। ओरिजिनल स्टोन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।